अच्छा खाना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा खाओगे तो खुश रहोगे, इसलिए आज हमने लाए हैं डाइट खाना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए चित्रन्ना। आप लोगों ने बहुत सारे चित्रन्ना खाए होंगे, लेकिन आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए साबूदाना चित्रन्ना। साबूदाना चित्रन्ना डाइट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो हेल्थ कंसियस है उन लोगों के लिए साबूदाना चित्रन्ना अच्छा है। आप लोगों को पता होगा साबूदाना हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है। डाइट लोगों के लिए, जो हेल्थ कंसियस है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है साबूदाना। आज हम बनाएंगे साबूदाना चित्रन्ना, डाइट खाना और स्वस्थ रहना। बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। हेल्थ कंसियस रहना चाहिए ना हमें, अच्छा अच्छा खाना है और स्वस्थ रहना। आइए दोस्तों, साबूदाना चित्रन्ना खाते हैं, सबको खिलाते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब सेहत का ख्याल रख सके। नए नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। अच्छा खाना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए आज हमने लाए हेल्दी खाना। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तूर डाल लिए हैं, 1 टेबलस्पून मूंगफली, हाफ लेमन, कुछ करी पत्ते, कुछ कटा हुआ प्याज, कुछ कटा हुआ ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून जीरे लिए हैं और कुछ लहसुन लिए हैं, 1 कप टमाटो लिए हैं, 1 कप गाजर लिए हैं। हमने 3 टमाटो यहाँ पर लिए हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला लिए हैं। यहाँ पर 3 कप भीगा हुआ साबूदाना लिए हैं। ये सब चीज़ चाहिए हमें साबूदाना चित्रन्ना बनाने के लिए। आइए दोस्तों, बनाते हैं साबूदाना चित्रन्ना और उसका मज़ा लेते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब जीरे को डाल रहे हैं। जीरे डाल दिए, अब एक तेज पत्ता डाल दिए, अब छोटी इलायची, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब लहसुन को डाल रहे हैं, हमने क्रश्ड लहसुन डाल रहे हैं यहाँ पर। आप चाहे तो इसको छोटा छोटा कट करके लहसुन को डाल सकते हैं। अब प्याज को डाल रहे हैं, तूर दाल डाल दिए, मूंगफली डाल दिए, अब ग्रीन चिली को डालते हैं, अब करी पत्ते। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हमें फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिए। अब इसमें टमाटो को डालेंगे, टमाटो डाल दिए हैं, अब इसमें गाजर को डालेंगे, गाजर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये सब को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से बन गया है, सब सभी के साथ मिलजुल गए हैं। अब इसमें लेमन जूस को डालेंगे, लेमन जूस डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स करेंगे। फटाफट हमें साबूदाना को डालना है, साबूदाना डालेंगे। देखिए हमने सब साबूदाना डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें मिक्स करते रहना चाहिए। देखिए वाइट वाइट है साबूदाना, मतलब ये अच्छी तरह से पकी नहीं है। हमें इसी तरह ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। देखिए दोस्तों, हमारा साबूदाना चित्रन्ना रेडी है, गर्मा गर्म साबूदाना चित्रन्ना रेडी है। आप इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालते हैं, अब 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं। पहले गरम मसाला डाले थे, अब इस सब को मिक्स कर लेते हैं। हमारा साबूदाना चित्रन्ना अब रेडी है, अब इसको प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बना है, आप इसी तरह बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी भी और हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी। आप इसी तरह बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए और हमें कमेंट कीजिए। नए नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर
जरूर कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।